सवाल हैं उन सबके जवाब मेरे लॉयर देंगे भाई। मैं आप मेरी आप फैमिली से पूछ लें, अगर वो बोलना चाहती हैं तो बोल लेती हैं। आप पूछे वो बोलना चाहती हैं, आप उनकी कंसेंट के बगैर तो नहीं उनको कह सकते बोलने का, आप वो तो नहीं कह सकते। हाँ वो कर लेते हैं, आपके सवाल जवाब पे आएंगे। आप बोले बता दो। जी पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आज सब लोग यहाँ पर आए। चल जी आप चुप करेंगे तो मैं कुछ बोल सकूंगी। आप बताएं, बोले बोले। पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप लोग सब यहाँ पर हैं और खतीजा देंगे। आपने जिस जिस तरह के सवाल करने आप कर सकते हैं, सब सवालों के जवाब मेरे लॉयर और खतीजा देंगे। लेकिन यार एक बात सुन ले, हमें बात सुने, एक बात सुने। यहाँ किसी हमने आके कि मीडिया पे तोहमत नहीं लगाई, आप रिलैक्स करें, एक मिनट आपको और चाहिए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म है। और ये बात आप इम्पोज नहीं कर सकते उस्मा पे बोलने की। ऑलरेडी हम पे मलिक रियाज का प्रेशर है, हम पे मलिक, आप प्लीज एक मिनट दे दें। जरूरी बात ये, आपको ये शवाहद, आपको ये डॉक्यूमेंट, देखिए उस्मान खान को खतरनाक लाहक है। कहाँ पर है सब कुछ, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है तो वो अपना मुकदमा अपने खामन के खिलाफ दर्ज कराएं, अपने खामन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं कि जो उनकी मलकियत थी उनकी इमारत में खयानत करते रहे। Thank you.
बताएं आप, उसमें उसमें बोलो, हमें कन्फर्म नहीं करना जी। उन्हें अगर लगता है कि वो ये पैसों की बात करके और इस तरह की बात करके वो सही साबित हो जाएंगे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। जो उन्होंने किया है उस चीज का उन्हें उन्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ये मेरे साथ क्यों किया। और यही बात उस्मान मलिक की, उस्मान मलिक अभी तक मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं। जो अबीन मलिक रियाज साहब की बेटियां घुसी हैं वो गैर कानूनी है, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।